तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि मेरे पास ये क्वेश्चन पेपर है जो कि साइंस का जूलॉजी ऑनर्स की है, तो आपको ठीक से क्लियर दिखाई नहीं दे रहे होंगे क्योंकि ब्लर हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट वन या पार्ट टू में किस तरह से ऑनर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने नंबर के सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं और कितने कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, क्या क्या सब्जेक्टिव में दिए जाते हैं, चलिए आज के इस वीडियो में डिटेल के साथ जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं बबलू स्वागत करता हूं आपके हमारे YouTube चैनल मान लिया टेलीकॉम पर। अगर दोस्तों वीडियो पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए मुंगेर यूनिवर्सिटी या भागलपुर सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि दोस्तों कॉपीराइट रिजर्वेड MU H1 ऑनर्स 1 जूलॉजी 1 यहाँ लिखा हुआ है 2020 टाइम 3 आवर्स फुल मार्क्स 75 का होता है ये, मतलब 75 नंबर का ये क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों समझने की बात है, कैंडिडेट रिक्वायर्ड गिव द आंसर इन ऑन वर्ड फॉर प्रैक्टिकेबली, मतलब दोस्तों आपका जो वर्ड आंसर देने बोल रहा है कि अपने वर्ड के हिसाब से आंसर देना है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क आंसर 5 क्वेश्चन इन विच, यानी कि दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन का ही जवाब देना है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि नंबर 1 इज कंपलसरी, ये किसी भी ऑनर्स का है दोस्तों, तो नंबर 1 इज कंपलसरी रहता है। लेकिन आपका जिस तरह से ये मेरा 75 नंबर का क्वेश्चन का आंसर देना है, इसलिए मैं मुझे 5 क्वेश्चन का आंसर करने को बोल रहा है। अगर आप 100 का करने बोल, आपका 100 का रहेगा, उसके बाद उसमें से आपने हिसाब से दिया हुआ रहता है। उसके बाद यहाँ से दोस्तों देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 का है चूज द करेक्ट आंसर इन फ्लोविंग, यानी कि दोस्तों 1 × 15, यानी कि आपको 15 गो मेरे ऑनर्स में 15 गो दिया रहता है। किसी यानी 100 ऑनर्स वाले में दोस्तों आपका 10 मिलता है तो वो 2 नंबर का रहता है। इस तरह से दोस्तों मैं आपको बारीकी के दिखाता हूँ, ये पेज क्वेश्चन नंबर खत्म हो गया है, टर्न ओवर बोल रहा है, तो मैं दूसरा पेज ओपन करके आपको दिखा, तो इसमें भी वही सेलेक्ट करने को बोल रहा है जो क्वेश्चन आपको मिला है दोस्तों। तो ऑब्जेक्टिव से आपको पूरी तरफ 15 क्वेश्चन मिलेगा 75 वाले में, अगर आपका ऑनर्स 100 का रहेगा तो उसमें 10 मिलता है। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्टिव को इस तरह सॉल्व करना है। उसके बाद मैं लास्ट में लेके चलता हूँ दोस्तों कि कितने क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं 15 15 नंबर करके। तो दोस्तों आपको 1 नंबर में मिलता है ऑब्जेक्टिव, जितना भी ऑब्जेक्टिव रहता है 1 नंबर में ए बी करके इस तरह दिया रहता है। उसके बाद मैं 2 नंबर का दोस्तों नहीं दिखाया हूँ क्वेश्चन, वो 2 नंबर का दिया रहता है। उसके बाद 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 और 9 करके दिया रहता है, 10 नंबर, यानी कि दोस्तों कुल मिला के आपका कितना क्वेश्चन हो जाते हैं, आठ 9 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं दोस्तों। 9 क्वेश्चन में आपको किन्हीं 5 का ही करना है। मेरे ऑनर्स में 5 का दिया गया है, आपका ऑनर्स में जितना करने बोलता है उतना अधिक क्वेश्चन दिया जाता है। आपका 100 का मान लीजिए दोस्तों, आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो उसमें आपका 100 क्वेश्चन दिया, सॉरी दोस्तों 100 क्वेश्चन नहीं, 100 फुल मार्क रहता है, उसमें से आपको 5 6 7 8 इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, तो उस तरह से आपको अधिक दिया हुआ रहता है। तो ये मेरे जूलॉजी ऑनर्स के लिए है, तो हमें कुल मिला के 10 क्वेश्चन दिए, कुल मिला के 10 क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से 5 का आंसर देना है ऑब्जेक्टिव छोड़ के। तो इस तरह से दोस्तों मैं आप लोग के साथ ये वीडियो शेयर किया, तो वीडियो कैसे लगे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।